नमस्कार और स्वागत है आप सभी का IAS पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप सभी को अवगत हो चुका होगा कि हमारे और आपके जो जुड़ने का प्रोसेस डेली बेसिस पे रहेगा वो रहेगा द हिंदू की फुल एनालिसिस करना या फिर इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के डेली बेसिस पे चर्चा करना। तो आइए इसको इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं कि हम द हिंदू को क्यों पढ़ते हैं और इसके पढ़ने से हमारी स्टडी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यदि हम बात करें, हम सभी द हिंदू डेली न्यूज़पेपर से अवश्य ही अवगत होंगे और इंट्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये न्यूज़पेपर हमारे एग्ज़ाम के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और यदि हम बात करें कि आखिर ये हमारे एग्ज़ाम के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, तो आखिर किस कारण से इसको इतनी इम्पॉर्टेंस दी जाती है, थोड़ा इस बात पर भी हम थोड़ी सी संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात इसकी इम्पॉर्टेंसी की, तो वो ये है कि इसको पढ़ने से हमारी जो इंग्लिश वोकैबुलरी है या फिर इंग्लिश पढ़ने की जो कला है वो उसमें कहीं ना कहीं अच्छी बढ़त दर्ज की जाती है और उसमें एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इस पढ़ने के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो वो ये होता है कि अक्सर जितने भी स्टूडेंट डेली बेसिस पे द हिंदू की एनालिसिस करते हैं, उसकी रीडिंग करते हैं, उनमें अन्य स्टूडेंट के कंपैरिजन में विश्लेषण क्षमता या फिर हम कहेंगे कि उनके अंदर कंपैरिजन जो अगर अन्य स्टूडेंट से की जाए तो उनके अंदर जो एनालिसिस कैपेबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं अन्य स्टूडेंट से अधिक होती है। और यदि हम बात करें कि इसकी डेली बेसिस पे जो रीडिंग और एनालिसिस होती है वो आपके लिए मेंस में एक बेहतर सपोर्ट को प्रोवाइड कराती है, अर्थात जब आप मेंस में बैठेंगे तो जितने भी आपने हिंदू के अंदर जितने भी कार्य क्रियाकलापों को अंजाम दिए हुए हैं ये सब आपके लिए पिलर्स का काम करेंगे जब आप मेंस में बैठेंगे, तो आपको ये बेहतर सपोर्ट को प्रोवाइड कराता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात अगर हम बताना चाहें कि द हिंदू को पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह आपको प्रत्येक टॉपिक से संबंधित स्टैटिकल नॉलेज को प्रोवाइड कराता है, अर्थात जितने भी डीपली नॉलेज होते हैं, जितने स्टैटिकल नॉलेज होते हैं, उन सभी को ये बेहतरीन तरीके से आप सभी को प्रोवाइड कराता है। तो बात करते हैं आगे इसको पढ़ने के लिए क्या क्या सिस्टम होते हैं। जैसे कि हम लोग जब भी न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो कुछ लोग बताते हैं कि आप 4 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़े, लेकिन इसके पढ़ने के लिए विभिन्न लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के समय अवधि को जरूर बताया जाता है। पर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप इसको अपनी रणनीति और अपनी स्ट्रेटजी के साथ मैनेज करें, बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए और अपनी रणनीति पर इसको मैनेज करते हुए पढ़ने का प्रयास करिए। और हाँ, यदि हम सबको पढ़ने की बात करें तो आपको इसके लिए सभी आर्टिकल को नहीं पढ़ना है, जो इसमें जो हिंदूज में जितने भी आर्टिकल दिए उन सभी को नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ हमें उन्हीं आर्टिकल्स का एनालिसिस करना है, उन्हीं आर्टिकल्स पर फोकस करना है, उन्हीं आर्टिकल्स को पढ़ना है जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है, सिलेबस से संबंधित है, या फिर अर्थात इसको पढ़ने से पहले जब भी आप पढ़े तो कैसे आप समझेंगे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, तो इसके पहले आपको खुद अपने एग्ज़ाम से संबंधित जो सिलेबस है उसका ज्ञान होना चाहिए, ऑलरेडी आपको उससे संबंधित जो भी कंटेंट है मालूम होने चाहिए, अर्थात प्रत्येक आर्टिकल जो भी दिए रहते हैं उनमें से अपने सिलेबस से संबंधित टॉपिक को पॉइंट आउट करने की जो कला होती है आपके अंदर आनी चाहिए, और ये कला तभी डेवलप होगी जब आपको अपना सिलेबस मालूम रहेगा। और स्वयं को भी ये जानना होगा कि कौन सी, इन सभी प्रोसेस द्वारा हम ये जान पाएंगे खुद कि कौन सी न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को जो कि आज के हमारे इस एडिटोरियल पेज में दिए हुए हैं। तो देखते हैं इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल को जो कि आज के हमारे एडिटोरियल पेज में चर्चित हैं। तो देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि हमारे एडिटोरियल पेज में चर्चित हैं और उन पर डिस्कस करते हैं, उनके अप्रोच को हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम बात करें कि इसमें जो पहला हमारा जो आर्टिकल दिया हुआ है वो है कोर एंड कंस्ट्रक्शन, कोर्स कंट्रैक्शन मतलब आपका होगा कोर मतलब पूंजी, जैसे आप पूंजी कहते हैं मूल प्रिंसिपल कह ले, तो कोर्स एंड कंट्रैक्शन मतलब संकुचन या फिर कहें सिकुड़न, आपकी जो सिस्टम है उसमें जब गिरावट दर्ज की जाती है उसी को हम लोग कोर्स कंट्रैक्शन कहते हैं, जब किसी भी चीज़ में डिफ्लेशन लगातार होता रहता है तो उसको हम लोग कंट्रैक्शन कहते हैं, गिरावट कहते हैं। तो जैसे इसमें किस पॉइंट को पॉइंट आउट करना है कि हमें पढ़ना है, इन सभी पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला स्टेटमेंट इस आर्टिकल के अंतर्गत देखा जा रहा है वो है एज आउटपुट एंड डिमांड स्लो इंडिया मस्ट रिटेन पिन पेंडेमिक एंड इकोनॉमी, कि अगर हम बात करें पेंडेमिक की तो हमारे इस ग्लोबल स्तर पे जो इस महत्वपूर्ण समस्या चल रही है वो है COVID-19 की समस्या, जो वैश्विक स्तर पे चल रही है, वैश्विक महामारी के रूप में उभर कर सामने आई हुई है।
तो इससे निपटते समय जो हमारे देश की या फिर अन्य देशों की बात करें, फिलहाल तो हम अपने देश की बात करेंगे कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहद ही जर्जर हो चुकी है और हर दिन में डिफ्लेशन हो रहा है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो एडिटर्स हैं या जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात पर फोकस दिखाना चाहते हैं कि हमें बोथ ट्विन फोकस लगाना चाहिए, दोनों पर, पेंडेमिक पर भी और इकोनॉमी पर भी, यानी अर्थव्यवस्था के कोविड 19 के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था पर भी फोकस बनाए रखना चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें कि जो पहला आर्टिकल दिया हुआ है, जो ये पहला स्टेटमेंट हमें इस बात से इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि आउटपुट या उत्पादन, जैसा कि हम बात करें कि आउटपुट या फिर आउटपुट मतलब होता है उत्पादन और डिमांड मतलब होता है मांग। हमारा जो मार्केट होता है इन्हीं दोनों बातों पर डिपेंड होता है कि जितनी मांग होगी उतना उत्पादन होगा, जितना उत्पादन होगा उतनी मांग होगी, यानी कि मांग के अकॉर्डिंग ही उत्पादन होता है। तो यदि मांग ही नहीं रहेगी, डिमांड ही नहीं रहेगा मार्केट में किसी भी वस्तु का बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, तो उसका उत्पादन में भी कमी होगी, आउटपुट में भी कमी होगी। तो इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था जो बेहद ही मतलब कि गड़बड़ा, अर्थव्यवस्था जो है बेहद ही निचले स्तर पर जाने का क्रम उसका चलता जाएगा। तो एज आउटपुट एंड डिमांड स्लोस इंडिया मस्ट रिटेन ट्विन फोकस ऑन द पेंडेमिक एंड इकोनॉमी। तो आउटपुट या उत्पादन और डिमांड यानी कि मांग में भारी कमी देखी गई है इस वक्त पिछले 2 से 3 महीनों के अंतर्गत बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अतः भारत को अपनी सिचुएशन को मेंटेन रखने के लिए, यानी आगामी जो सिचुएशन आने वाली है उसको मेंटेन रखने के लिए उसे दोहरा फोकस बनाए रखना चाहिए। अर्थात उसे इस समय अपनी अर्थव्यवस्था या फिर कहें कि कोविड 19 की जो समस्या चल रही है वैश्विक महामारी के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था पर भी फोकस बनाए रखना चाहिए। अर्थात एक बात और बता दें आप सभी को कि एक बात और है जो आप सभी को जानना चाहिए कि कोई भी मंथ होता है जब एंड होता है और न्यू मंथ स्टार्ट होता है, तो इस मंथ के स्टार्ट में, जो नया मंथ स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट में ही लास्ट मंथ में हमारी इकोनॉमी की रिपोर्ट क्या रही है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या रही है और उसकी क्या क्या रेट्स रही हैं, क्या गिरावट हुई है, क्या उसमें उछाल हुआ है, इन सभी की रिपोर्ट्स इस नए मंथ के स्टार्टिंग पॉइंट में ही दे दी जाते हैं और इस चीज़ को हमें पढ़ना और समझना भी चाहिए। अर्थात अगर मान लीजिए न्यू मंथ जुलाई चल रहा है, फर्स्ट वीक चल रहा है जुलाई का, तो आपका जो पिछला मंथ एंड हुआ है जून, तो उसमें जो भी हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन रही उन सभी का वर्णन हमारा इस मंथ में ही, इस मंथ के पहले फर्स्ट वीक में ही कवर करेगा एडिटोरियल, तो वो भी हमें जरूर जानना चाहिए। तो आज इस आर्टिकल के द्वारा हम उन्हीं बातों को भी बेहतरीन तरीके से हाईलाइट कर सकेंगे और समझ सकेंगे क्या हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन में क्या चेंजिंग हुई है और क्या परिवर्तन हुआ है। तो पढ़ते हैं आर्टिकल्स को, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आउटपुट इन 8 कोर इंडस्ट्रीज सफर ऑन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फॉर थर्ड स्ट्रेट मंथ इन मे, श्रिंकिंग 23.4% एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन किप्ड लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी शटर्ड। इकोनॉमी शटर्ड मतलब बंद होना या फिर बहुत ही खराब स्थिति में आना। तो इस पॉइंट में, इस आर्टिकल, इस स्टेटमेंट में हमको क्या कहना चाहता है कि इन सभी पॉइंट में जो भी डिफ्लेशन की चर्चा कर रहा है, जो एडिटर हमसे डिफ्लेशन की चर्चा कर रहा है, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि जो भी हमारे कंट्री के इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, जो महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, जो कि हमें एक बेहतरीन रेवेन्यू प्रोवाइड कराते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है और लगातार तीसरे महीने भी हमें श्रिंकिंग दिखाई दे रही है। कुछ सेक्टर जो कि जैसे कि हमारे कुछ सेक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी में अहम भूमिका रखते हैं, जो हमारी इकोनॉमी के रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर हम कहें कि जो हमारी इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उनमें कंसिस्टेंसी बनी हुई है, निरंतरता बनी हुई है गिरावट की, अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोविंशनल। जैसे कि जो कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल हैं उनके फिगर के अनुसार जो पिछले 3 महीनों में गिरावट दर्ज की गई है हमारी इकोनॉमिक्स की, और उनमें भी उनके अंदर का जो कुछ महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, जैसे 8 सेक्टर की बात कर रहा है, उन 8 सेक्टर्स में से एक को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, और उनमें भी जो 6 हैं उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में गिरावट दर्ज की गई है। ये कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल फिगर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि इनमें 8 में से 1 सेक्टर, सिर्फ 1 सेक्टर को छोड़कर बाकी सभी में डिक्लाइन ही देखने को मिल रहा है, और यहाँ तक कि 6 सेक्टर तो ऐसे हैं जो उनमें डबल डिजिट का ड्रॉप है, मतलब डबल डिजिट की गिरावट दर्ज की जाती है। तो इन सभी आर्टिकल्स में इन्हीं सब बातों की चर्चा कर रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है कि द कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ प्रोविजनल फिगर्स ऑफ द 8 ऑफ द ऑल बट 1 पोस्टेड डिक्लाइन इन प्रोडक्शन कंपेयर विद
ईयर अर्लियर विथ सिक्स सेक्टर्स विटनेस डबल डिजिट ड्रॉप। जस्ट हम पढ़े हैं कि आठ में से सात का डिफ्लेशन तो हो ही रहा है, साथ में उनमें सिर्फ एक ही का मतलब अच्छी स्थिति बनी हुई है, और उन सात में भी छः की स्थिति बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में उसकी ड्रॉपिंग हो रही है, ख़राब है। स्टील एंड सीमेंट वेयर रोस्ट हिट स्लम्पिंग 48.4% एंड 22.4% रिस्पेक्टिवली एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिमेन मोस्टली स्टॉल्ड। अब देखिए, यदि कोई मतलब कि अगर बात कर लें हम इसमें जो सिस्टम लिखा हुआ है, कि अब बात कुछ इस प्रोडक्शन की भी कर लें, जैसा कि स्टील में 48.4% की गिरावट दर्ज की गई है, और वहीं सीमेंट में 22.4% की गिरावट दर्ज की गई है या फिर देखी जा रही है, और जो ऐसा कारण क्या है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट चल रहे थे, उन सभी में पूरी तरह अधिकतर क्लोज है, इसलिए डिमांड नहीं वहाँ से है मटेरियल्स की। इसलिए स्टील में सबसे अधिक गिरावट 48.4% और सीमेंट में भी सबसे अधिक गिरावट 22.2% की दर्ज की जा रही है। आगे हम बात करें कि इसमें किस पॉइंट की चर्चा कर रहा है। इस प्रकार जैसे आपने स्टील का पढ़ा कि 48.4% गिरावट दर्ज की गई, जबकि सीमेंट में 22.2% की गिरावट दर्ज की गई। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट की चर्चा करेगा जिसमें गिरावट ही दर्ज की गई। जैसे बात करें रिफाइनरी प्रोडक्ट, जो भी तेल शोधक सिस्टम है, उनमें भी बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट सिस्टम गिरावट देख रहे हैं, जो कि हमारे इंडेक्स में जो हमारी अर्थव्यवस्था में है उसके 28% योगदान रहता है। जो हमारी रिफाइनरी सिस्टम होता है उसका हमारी अर्थव्यवस्था में 28% का योगदान होता है, उसमें भी 21.3% की गिरावट दर्ज की गई है। और इसी के साथ हम बात करें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा नेचुरल गैस हो गया, और फिर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन हो गया, और भी बहुत सारे सिस्टम हैं, उन सभी में डिक्लाइन दर्ज की जा रही है, और लगातार उसमें डिक्लाइन दर्ज की जा रही है, अर्थात सब में डिफ्लेशन हो रहा है। अब यदि हम बात करें कि आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो भी 15.6% गिरा है। अर्थात क्यों, जब सारे सिस्टम बंद हैं। इस आर्टिकल में हमें ओवरऑल यही समझाने का प्रयास करेगा टोटल, कि मान लीजिए कि लॉकडाउन लगा है, सारे मजदूर हैं अपने रूरल सिस्टम में चले गए हैं, तो फैक्ट्रीज बंद है, तो बिजली का जो बहुत ही ज़्यादा खर्च है वो किसी फैक्ट्री के द्वारा डिमांड नहीं हो रही, तो उसका उत्पादन नहीं हो रहा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण जो पिलर साबित होता है वो भी एक अपनी मतलब कि उच्चतम गिरावट की तरफ जा रहा है। अब यदि हम बात करें कि एडेड बाय द पार्शियल ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द पीक समर कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, थोड़ी सी जो विद्युत में इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी इजाफा दर्ज किया गया है ड्यूरिंग टू पीक ऑफ समर, यानी जो गर्मी बढ़ी थोड़ी सी उसमें इजाफा दर्ज किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी लॉकडाउन थोड़ी मोड़ी इसमें ढील दी जा रही है। और यदि बात करें गर्मी में, तो गर्मी में सभी लोगों के जो घर के जो सिस्टम होते हैं वो, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी उसमें अधिक मात्रा में यूज़ भी बढ़ता है, तो जिससे थोड़ा सा उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अब यदि बात करें कि जो हमने बात किया कि आठ सिस्टम थे, आठ में से सात की हालत एकदम ख़राब है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम इस आठ की बात करें, इस आठ में से अगर सात की बात करें, जो सात बचा है उसमें से भी छः की हालत बहुत ही जर्जर है, और इसमें जो एक सेक्टर हमारा है, वो है जो हमारा जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, उसी में थोड़ी सी सिस्टम, वही हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन की तरफ से बेहतरीन निगाह से उसको देखा जा रहा है। तो क्या है उसको समझते हैं। बोल रहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर हैड 23 जून साइटेड द नियर डबलिंग ऑफ फर्टिलाइजर सेल्स में इन ट्राई टू अर्ली ग्रीन शूट इन इकोनॉमिकल रिवाइवल। जो हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर के द्वारा, फाइनेंशियल वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है कि इस मई महीने तक जो हमारे यहाँ उर्वरक बिकते थे, उर्वरक जो सिस्टम होता है, फर्टिलाइजर जो सिस्टम होता है, उसमें बिक्री में डबलिंग, मतलब उसमें उसी में वृद्धि दर्ज की गई है। क्योंकि जो इस वक्त सीजन, जो खरीफ सीजन है, उसमें हमारे किसान जो भी सिस्टम होते हैं अपने फसल को उगाने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, और फर्टिलाइजर हो गया, बीज हो गया, उस सबको बोते हैं और सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा उसमें हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। आगे बात करें हम तो प्रॉमिसिंग अर्ली स्टार्ट टू दिस ईयर मानसून। यदि हम बात करें कि अब की बार जो फसल है उसको देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा रही हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि अब की बार ये लगभग अधिक मात्रा में, हर साल के मुकाबले अधिक मात्रा में इसमें
इंक्रीज़ भी हुआ है उसकी, मतलब कि गुणवत्ता में, या फिर आप बात करें उसके सोन में, उसकी बुआई में, या फिर उसके अब की बार के हर साल की तुलना में जो उसमें बढ़ोतरी हुई है वो हर साल से बेहतर है इस साल, क्या जो हमारी खरीफ सीजन की जो सिस्टम थे। अब मानसून भी इस कारण थोड़ा, मानसून भी जो है इस साल थोड़ा जल्दी आ गया, ये भी हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और इसके कारण जो खरीफ सीजन की जो भी बुआई है अब की बार हर साल के मुकाबले लगभग अब की बार 33.156 लाख हेक्टेयर लगभग अब की बार हर साल की कंपैरिजन में दोगुना अब की बार सिस्टम लाया गया उसको बोने का जो सिस्टम है खरीफ सीजन का। हर साल जो भी बुआई होती थी उसकी कंपैरिजन में अब की बार दोगुनी उसके प्रति खेती स्टार्ट हुई है। अब यदि हम बात करें कि जो भी मजदूर थे सिटीज़ में, आगे वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि विद द पेंडेमिक एंड द लॉकडाउन हैविंग सेंट लैक्स ऑफ पीपुल्स बैक टू देयर रूरल होम्स फ्रॉम जॉब इन द सिटीज़। की अब ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप ऑलरेडी इससे वाकिफ होंगे कि जो भी मजदूर शहरों में काम कर रहे थे उन सभी ने पेंडेमिक कारण अपना वहाँ का स्थान छोड़ा, अपने रूरल क्षेत्र में आवागमन कर दिए, प्रवासी हो गए, और यहाँ आने के बाद उनके लिए समस्या क्रिएट हुई। लेकिन कुछ कारण से उनके लिए भी रोजगार जो है, जॉब जो है उनके क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि मनरेगा आप ले लीजिए, और भी कुछ सिस्टम है जिससे उनके लिए रोजगार का अवसर उत्पन्न हो रहा है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब यदि हम बात करें कि टोटल हम क्या बात करना चाहते हैं, कि यदि एबव जो भी ऊपर के जितने भी स्टेटमेंट थे उसमें हमें क्या बताना चाहता है, कि पहली बात तो ये कि कहाँ कहाँ अर्थव्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो रही है, फिर कहाँ पे अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी मतलब कि किसी एक अच्छे पॉइंट से उसको देखा जा रहा है, जैसे कि खेती हो गई, वहाँ पे अर्थव्यवस्था में थोड़ी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से की बार अच्छी उन्नति होगी। और वहीं अगर बात करें खेती के बाद भी इस वक्त जो हमारी बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो रही है कि लोकस्ट जो है, लोकस्ट स्वाम्स, उनका भी अटैक्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर वे आए तो जो टिड्डी दल हैं उनके भी, उनका भी आगमन देखा जा रहा है, कि अगर उनका आगमन हुआ तो भी हमारे फसलों के लिए बेहद ही हानिकारक वो हो सकते हैं, और हमारी फसलों के लिए बेहद ही दुखी बुरी खबर हो सकती है। अब यदि हम बात करें इसके फाइनल वर्ड में, जो अंतिम वर्ड में कह रहा है कि पॉलिसी मेकर मस्ट नॉट ओनली कंटेन COVID-19 टीयर वे स्प्रेड बट आल्सो सिमटेनियसली बट इकोनॉमिक मोमेंटम फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर। ओवरऑल जितना भी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा, हमको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं करना है, ओवरऑल हमको ये समझना है कि इस स्टेटमेंट में किस बात की चर्चा की जा रही है। तो इस स्टेटमेंट में इस बात की चर्चा की जा रही है कि जो इकोनॉमी मोमेंटम है उसको हम और अधिक ना गिरने दें, अर्थात हम इसके दोनों पहलुओं, बोथ एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर चलें। और ओवरऑल यही कहा जा रहा है इस पूरे सिस्टम में, COVID-19 से लड़ने के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमी पर भी अट्रैक्शन बनाना होगा, हमें अपनी इकोनॉमी पर भी अटेंशन देना होगा, अर्थात हम इकोनॉमी की डिफ्लेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, अर्थात हम इस पूरे जो कोर्स कंस्ट्रक्शन जो हमारा आर्टिकल था उसके अंतर्गत हम ये पढ़े कि पिछले महीने की तुलना में जो हमारा जो सिस्टम, जो हमारा पिछला मई था, जून था, इसके अनुसार जो जुलाई में है क्या कंडीशन और हो सकती हैं, उसके लिए हम क्या सुधार करें, क्या हम ऑलरेडी प्रिपेयर रहें, जो कि हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन में गिरावट दर्ज की जा रही थी उसमें सुधार हो, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट ना हो, और किन किन सेक्टर्स में कितनी गिरावट हुई है, इन सभी बातों की चर्चा किया है। और इस पर बहुत ज़्यादा विस्तृत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारे थोड़े से जो आर्थिक स्थिति, यानी जो हमारे जीएस पेपर फोर के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो रहा था, इसलिए हमने इसकी चर्चा कर दी कि इसमें किस प्रकार हम अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का वर्णन कर सकते हैं। तो हमने इसमें कुछ प्रमुख सेक्टर थे उनमें गिरावट थी, उनमें किस प्रकार लगातार गिरावट हो रही है, उनसे सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और हमारी सरकार के द्वारा किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा गिरावट हो रही है, किन क्षेत्रों में उन्नति की उम्मीदें दिख रही हैं। तो ओवरऑल एडिटर अपना संदेश यही पहुंचाना चाहता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को पेंडेमिक के साथ साथ इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। तो आइए देखते हैं अगले आर्टिकल को, कि जो कि हमारे इस एडिटोरियल पेज में दिया हुआ है। तो देखते हैं अगले टॉपिक्स को, जो कि दिया हुआ है अगले आर्टिकल में, जो कि दिया हुआ है कि इन अ सर्टेन वर्ल्ड अ सीट एट द ग्लोबल हाइट टेबल। यानी इस टॉपिक, इस आर्टिकल को लेने के पीछे वही हमारा जो प्रमुख कारण रहा, और वो कारण ये रहा कि ये हमारे जीएस
पेपर 3 के अकॉर्डिंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेवेंट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को आज लिया हुआ है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार जो भारत में यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको अस्थायी सदस्य के पद पर निर्वाचित किया गया है। उसके बाद क्या क्या सिस्टम लागू हो सकते हैं, क्या क्या उसमें परिवर्तन उसको करने चाहिए, क्या क्या सुधार उसको अपनी स्थिति में और परिवर्तन करने के लिए किया जाना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेकंड आर्टिकल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को कि लिखा है इंडिया विल बी बैक इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी फॉर 2 years टर्म्स बिगिनिंग जनवरी 1, 2021 एट अ क्रिटिकल टाइमिंग इन द हिस्ट्री ऑफ यूएनओ कि इंडिया विल बैक इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो इंडिया है। इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है दिस टॉपिक आर बेसिकली रिलेवेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेवेंट मतलब रिलेशन अर्थात हम इस ये जो टॉपिक हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक से मिलता जुलता है जो कि हमारे जीएस पत्र से संबंधित है। ये बातें हम आपको सभी को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो इसकी में जो कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख मिलता है हम जानते हैं जो इंडिया है इस पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम ये समझेंगे जो इंडिया है वो जल्द ही अभी हाल ही में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट बना है, नॉन परमानेंट सदस्य बना है। हम सभी को मालूम होना चाहिए जो कि पहले भी कई बार बन चुका है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि कई बार पहले बन चुका है तो नीचे दिए गए आर्टिकल्स को जब हम पढ़ेंगे तो ये भी डिक्लेयर हो जाएगा कि भारत कितनी बार ऑलरेडी उसमें बन चुका है नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट। तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि अब की बार जो बना हुआ है वो टोटल कुल मिलाकर 8 बार भारत जो है नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट की दावेदारी पर खरा उतर चुका है, यानी अब की बार 8वीं बार वो चुना गया है। अब बात करें यूएनएससी की यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें कुल टोटल ओवरऑल 15 मेंबर होते हैं। उसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं, 15, और इन 15 में 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट। तो 10 होते हैं परमानेंट नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट जिनके पास वीटोज पावर होती है तो टोटल 15 में से जो 10 होते हैं नॉन परमानेंट और 5 होते हैं परमानेंट यानी और अस्थाई। तो हमारी जो कंट्री है वो इन्हीं 10 नॉन परमानेंट का ही एक हिस्सा भी हाल ही में बनी है। और इसकी मेंबरशिप लेने के लिए किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2/3 वोटिंग प्राप्त करना होगा। जैसे कि इस आर्टिकल के अंतर्गत जितने भी यूएनएससी संबंधी जो भी टॉपिक्स होंगे जब आप इन सभी टॉपिक्स की चर्चा पढ़ेंगे तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे कि किन टॉपिक को समझाना चाहता है और टॉपिक किस प्रकार हमारे लिए यूजफुल है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम इस पर जो भी यूएनएससी संबंधी जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो सब आपको क्लियर हो जाएंगे, तो मैं ओवरऑल आप सभी को एक व्यू दे रहा हूँ कि कैसे आप समझेंगे उसको। तो हम जानते हैं कि हाल ही में जो इंडिया है वो यूएनएससी का एक पार्टिसिपेंट बना है और स्थायी नॉन परमानेंट बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसके जो पार्टिसिपेंट बनने की जो क्वालिटी होती है, जो सिस्टम होता है, जो रूल होता है वो ये होता है कि इसमें किसी भी मेंबरशिप लेने के लिए किसी भी देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 2/3 यानी 2/3 वोटिंग प्राप्त करना होता है। और जिस भी विशेष कंट्री जैसे हमारा जो है एशिया स्पेसिफिक कंट्री हमारे यहाँ से एशिया स्पेसिफिक प्लेस से हमारा जो देश है वहाँ से नेतृत्व किया, जिस विशेष प्लेस से वो आता है जिस कंट्री संबंधित है वहाँ का सपोर्ट उसे बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। अर्थात पहली बात उस मेंबरशिप लेने के लिए उसको कुल टोटल जितने भी वोट होते हैं उन मेंबर्स होते हैं उनका 2/3 सहमति मिलनी चाहिए, 2/3 वोटिंग होनी चाहिए और उसे सपोर्ट भी मिलना चाहिए जितने भी उसकी कंट्री हैं उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए जिस स्थान से वो संबंधित है। अब हमको ये बात होनी चाहिए यूएनओ में टोटल कितने पार्टिसिपेंट होते हैं, तो वो होते हैं 193 और 193 का 2/3 जो होगा 128 के अप्रॉक्सीमेट होगा, जबकि भारत को 184 हम जानते हैं कि भारत को जो अब की बार नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट बना है उसको 184 सीट्स मिली हैं। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त किया है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने सारे कंट्रीज़ हमारे देश के सपोर्ट में हैं। तो जैसा कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर स्टेटमेंट देखने को हम सभी को मिलता है कि ये जो पेंडेमिक चल रही है, ये जो पेंडेमिक टाइमिंग है या फिर जो भी सिस्टम हम कहें कि
हमारे उस मुद्दे पर आने से पहले थोड़ा सा हम ये जान लें कि पेंडेमिक चल रही है, तो ये अपने आप को ग्लोबल स्तर पर फैलाई हुई है, इसमें इसकी जो समस्या है हर कंट्री में बरकरार है, मेंटेन है। तो इन्हीं सभी के अंतर्गत भारत को अस्थायी सदस्य की सदस्यता भी ये UNSC में मिली है। तो कहीं ना कहीं वो जो अब सदस्यता का जो कार्यकाल है, जो टर्म है, वो शुरू करेगा अपना 1 जनवरी 2021 से वो स्टार्ट करेगा कार्यकाल, 22 तक उसका कार्यकाल चलेगा। इसके अंतर्गत बोल रहा है कि ये जो टाइमिंग है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑन स्पेशल फीचर ऑफ दिस ईयर द कोविड-19 इफेक्ट एम्बेसडर वे अलाउड टू इंटर, यानी जो भी टॉपिक्स इसके अंतर्गत दिए हुए हैं, अगर हम बात करें एडिटर्स की, जो एडिटर अपना व्यूज इस आर्टिकल के अंतर्गत हमको देना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि ये समय हमारे दुर्भाग्य का तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 इफेक्ट है हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। जैसा कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर ये स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि ये जो पेंडेमिक टाइमिंग है वो हमारे इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं, अर्थात भारत की जो परमानेंट मेंबरशिप की दौड़ है उसमें उभर के वो सामने आ सकता है अपने कुछ क्रियाकलापों द्वारा। और उन सभी एस्पेक्ट को हम सभी बाद में डिस्कस करेंगे किस प्रकार होगा, पहले हम इन दिए गए पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो आगे अगले पॉइंट में लिखा है कि आई इंडिया, अगले टॉपिक्स में लिखा हुआ है इंडिया विल बी बैक, इसका तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सॉरी फॉर दैट। इसमें जो स्टेटमेंट लिखा था कि इंडिया के बारे में हमने जो भी स्टेटमेंट पढ़ा कि यहाँ पर हम देखें भारत को जो टर्म मिला है कि 1 जनवरी 2021 से वो कार्यकाल संभालेगी UNSC में अपने नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंटी का, और वो चलेगा 2022 तक। और जैसा कि हमने ऊपर अभी बात की थी कि ये जो टाइमिंग है भारत के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किस प्रकार वो अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, उसके लिए हम इस बात थोड़ी सी समझ लेते हैं कि इस समय जो ग्लोबल चेंजिंग और इकोनॉमिक्स क्राइसिस हो रहे हैं, अर्थात जो ग्लोबल वैश्विक रूप से जो परिवर्तन हो रहा है और जो सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था का पतन हो रहा है, उसमें कुछ सुधार संबंधी कुछ मुद्दे उसको उठाने चाहिए UNSC में, और उन एजेंडाज को UNSC के अंदर लाकर उस पर डिस्कशन करना चाहिए। जैसे कि अगर प्रतिनिधित्व ऑलरेडी हमारा देश ऑलरेडी करने की क्षमता हमारे देश के अंदर है, अगर इन सभी मुद्दों की भी वो चर्चा UNSC में करता है, और हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि जो हमारा कंट्री है, जो इंडिया है, वो ऑलरेडी रिफॉर्म की नीति का पालन करता है, हमेशा सुधार की बातें ही करता है, तो ये सब क्वालिटियों को अगर वो वहाँ पे एक्सपोज करे तो शायद वो परमानेंट की दौड़ में, जो अस्थायी सदस्यता की दौड़ है उसमें वो उभर के सामने आ सकता है। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स की चर्चाएं इस आर्टिकल्स में किया हुआ है कि ऑन स्पेशल फीचर्स दिस ईयर द कोविड-19 इफेक्ट, एम्बेसडर्स वेर अलाउड टू एंटर कोविड-19 असेंबली हाल इन 1x1 कास्ट देयर बैलेट, इन सभी चर्चाएं की कि यहाँ पे बताया जाएगा कि जो सभी देशों के एम्बेसडर थे, राजदूत थे, वो सभी 1x1 करके जो अब की बार का सिस्टम था वोटिंग का कि किस देश को चुना जाए किस देश को नहीं, तो एक एक करके वोट किया गया, इस प्रकार का सिस्टम कुछ अब की बार देखने को मिला है। तो टू कास्ट देयर बैलेट्स इंस्टेड ऑफ द सिमल्टेनियस वोटिंग द यूजुअली टेक्स प्लेस द कंपेन वाज सो अनकन्वेंशनल इट took place through Zoom's conversation and sharing of vouchers, brochures and pamphlets rather than through meetings at the bar and restaurants serving। ये जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं कि जो अब की बार वहाँ का जो सिस्टम था, वोटिंग हुई, पैम्पलेट्स सभी लोग बांटे आपस में, वोटिंग हुई और एक दूसरे से बातें हुई, अनकन्वेंशनल अब की बार कैंपेन भी अनकन्वेंशन थी, तथा जूम कन्वर्सेशन भी हुई और उनमें पैम्पलेट्स आदि भी एक दूसरे से शेयर किए गए। अगले पॉइंट में क्या है कि इंडियाज इलेक्शन एज अ नॉन परमानेंट मेंबर एज अंडर स्टैंडेबली इग्नाइटेड द होप दैट इट इज़ क्वेस्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल में सक्सेड, कि जो अभी हमने चर्चा ऑलरेडी हम इस आर्टिकल में बार बार इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना गया है और इसी कारण से उसके नॉन परमानेंट अभी 8वीं बार चुना गया है, इस कारण से उसके अंदर और भी ज़्यादा करेज हुआ है और भी ज़्यादा होप उम्मीद बढ़ी है कि वो भी परमानेंट मेंबर की तरफ अग्रसर होगा, क्योंकि भारत जो है हमेशा रिफॉर्म की बातें करता है और इस वक्त उसके द्वारा किए जाने वाले जो भी रिफॉर्म्स भी उसको परमानेंट मेंबर की दावेदारी प्राप्त करने की तरफ अग्रसर करेंगे। तो इन सभी बातों की चर्चा इन सभी आर्टिकल्स के इन सभी स्टेटमेंट के अंतर्गत की गई है। अब यदि हम बात करें अगले जो फाइनल वर्ड्स हैं, जो अंतिम टॉपिक्स है, अंतिम स्टेटमेंट दिया गया है उसको हम समझते हैं कि द प्रेशर
आप वर्क एंड मिशन विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज इंडिया विल गेट इन्वॉल्व इन मेनी सक्सेस मेनी शूज इन विच इट मे नॉट हैव एनी डायरेक्ट इंटरेस्ट सिंस इंडिया डज नॉट हैव अ विट टू इट शैल हैव टू प्रोसीड कॉशियसली नॉट ऑफेंड एनी वन। कि भारत को भारत परमानेंट की सदस्यता प्राप्त करने की दौड़ में भी है और वो अपने क्रियाकलापों कर रहा है, लेकिन और इन सभी क्रियाकलापों से इंडिया का जो प्रेशर है परमानेंट की दौड़ के प्राप्त करने के जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, जो भी उसके तरह किए गए वर्क है, रिफॉर्म है, उसने उसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसको अपने अप्रोच को भी इम्प्रूव करना है और कि वह विश्व शांति में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकेगा, इन सब बातों को उसको प्रूव करना है UNO में। और इन सभी के अंतर्गत भारत को हमेशा इस बात को समझते हुए अपने प्रत्येक कदम को बढ़ाना होगा कि कोई भी कार्य से अगर वो करता है, यदि कार्य करते समय उसको शेष पाँच जो सदस्य हैं, जो पाँच जो वीटो पावर वाले कंट्रीज हैं, उन सभी के लिए ऑफेंडेड हुआ, उन सभी को मंजूर ना हुआ, तो ये उसके लिए अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि भारत के पास ऑलरेडी वीटो पावर नहीं है। इसलिए भारत को जो भी कार्य करे अपने उन्नति के लिए, अपने प्रोन्नति के लिए, वो बेहद ही सूझबूझ के साथ वो करे। तो ओवरऑल हम इस स्टेटमेंट के अंतर्गत पढ़ें, जो हमारा ग्लोबल हाई टेबल हुआ है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे आर्टिकल इसके पहले भी आए थे कि हाई टेबल के अंतर्गत जो ग्लोबल हाई टेबल जो हुआ है, कि वैश्विक स्तर पर जो भारत का जो कद बढ़ा हुआ है उसको थोड़ा और बढ़ाएं, उसको और इंक्रीज करने के लिए भारत को अपने सभी स्तर को बेहतरीन तरीके से सूझबूझ के साथ मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी इस विपरीत परिस्थिति में उसको इस विपरीत परिस्थिति कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह लाभ लेते हुए इस परिस्थिति का पूर्णता लाभ अपने नेतृत्व के द्वारा लेना चाहिए। तो इन सभी बातों की चर्चा इस आर्टिकल के अंदर की गई। तो हमने आज पढ़े दो आर्टिकल जो कि दोनों इंपॉर्टेंट थे। दोनों आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, पहले आर्टिकल में जो पढ़ा उसको टॉपिक बना लिया कोर एंड कंस्ट्रक्शन के, किस प्रकार हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन में गिरावट हुई है। सेकंड आर्टिकल में पढ़ा कि भारत किस प्रकार अपने ग्लोबल इमेज को बेहतर तरीके से सबके सामने एक्सपोज कर सकेगा। तो ये सब छोटे मोटे एग्जाम्पल थे आज के कि हम किस प्रकार आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे और भी सहज भाषा में इसको समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम इसको और भी सहज भाषा में अगले दिन के एडिटोरियल को समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जुड़े रहिए आज पॉइंट के अलग प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।